the army officer, 5 foot 4 inch kadu, height, 5 foot 4 inch, 60% marks, psychologically fit, physically fit. अच्छा, ये तो वो पहला मामला है कि जहाँ हम सिलेक्शन वो फॉर्म लेके हम घुसेंगे, एक छोटा सा टेस्ट होगा, तो जब हम आईएसएसबी में जाएंगे वहां क्या होगा? हाँ, वहां क्या होगा? वहां पे टेस्ट होगा, वहां 3 दिन रखेंगे आप, 3 दिन, और वहां पे क्या होगा? नंबर वन, ये बात ध्यान से समझो, वहां क्या होगा? नंबर वन, आपकी अपीयरेंस के यूनिफॉर्म पहनने के बाद, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बातें बता रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपको दाएं बाएं की कोई चीज कोई किस्सा कहानी कर सकूं, मैं मोड उसका जो लाइट रखा है, लेकिन एग्जैक्ट चीजें आपको मैं दे रहा हूं कि ये और ये, इसको नोट कर ले, समझ ले अच्छी तरह से। नंबर वन क्या है? अपीयरेंस, कि आप यूनिफॉर्म अगर पहने तो पहनने के बाद एक ऑफिसर लगे, बिल्कुल फिट आपको यूनिफॉर्म के बाद आप एक ऑफिसर लगते हैं। नंबर टू, एक्सप्रेशन, आपको बात करने का तरीका और सलीका अल्लाह ने कैसा दिया है, आप अपनी बात टू दी पॉइंट सीधी साफ सुथरी कर सकती हैं और अच्छे अंदाज से कर सकती हैं या नहीं कर सकती। नंबर थ्री, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जब आप बात कर रही हैं और आपको कोई शख्स इंटरप्ट कर दे, आपको डिस्टर्ब कर दे या बीच में कोई बात आगे डाल दे, तो फिर क्या होगा? क्या आपका कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा या आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे? नंबर फोर, लीडरशिप, कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कितने हैं, एबिलिटी कितनी है लोगों को लीड करने की, लोगों को आगे लेके जाने की। ये माशाल्लाह 5 प्रॉक्टर्स खड़ी हैं, तो अब मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कौन कौन वो है कि जो बाय नेचर बाय डिफॉल्ट लीडर है, और कौन वो है कि जिसने दोस्तियों में आपने वोट लिए। होता है ना, होता है। अच्छा, और कोई ऐसा भी होता है कि बात बात मतलब ये टीचर भी गाइड करती हैं कि भाई ये स्टूडेंट बहुत अच्छी है, इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसकी बड़ी काबिल है, बड़ी मां है, वो भी आती है, इसलिए कि जो कॉन्सर्न रखती है उसको बैलेंस तो करना होता है। अच्छा, ये क्या चीज है? इसके बाद पांचवी बात, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, कि आपका वो रिकॉर्ड कैसा है, कैसा पढ़ती थी, कैसा रहती थी, कैसा था, साइकोलॉजिकली बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस आपका कैसा, कभी आप अप डाउन तो नहीं होती या एक लेवल पे रहते हैं, फिजिकल बाकी कुछ चीजें वो मैंने देखी, बस ये कुछ। अगर आपने इस मराहिल से गुजर गए और आखिर में जो आपका इंटरव्यू होगा, 3 बंदे बैठकर इंटरव्यू कर, और आपके हवाले से तीनों का मुत्तफिक होना जरूरी है, अगर एक भी इख्तिलाफ करेगा तो आप आओ, या तो वो दोनों उसके साथ मिल जाए या वो एक उन दोनों के साथ मिल जाए, तीनों मुत्तफिक होंगे तो आपको रिकमेंड किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा, और लिस्ट जीएसयू में आ गई और वहां से मजिस्ट्रेट है। कैडेट कॉलेज का आपने सुना होगा ना, तो कैडेट कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो किस लिए जाते हैं, फिर कल हम जल्दी से और सीधे सीधे आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसा होता है, यही माइंड होता है सबका। दूसरा ये होता है कि ग्रूमिंग हो जाएगी वगैरह वगैरह, लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगे, बाकी चीजें। तो एक कैडेट कॉलेज में मैं गया, वहां पे बच्चों की मैंने ना असेसमेंट की, टेस्ट लिए, काउंसलिंग, आपके साथ लेक्चर हो रहे हैं, उनके साथ इस लेक्चर के साथ उनकी असेसमेंट भी थी, टेस्ट थे, और उनकी जो वो काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर उसको किया था। 78 स्टूडेंट हैं
78 में से only 8 students को मैंने recommend किया कि आप आर्मी में apply करें और बाकी जो थे उनको recommend नहीं किया। अब हुआ ये कि जब उन्होंने FSC मुकम्मल की तो हर स्टूडेंट ने जनाब आर्मी में apply किया, तकरीबन सिर्फ 7 बच्चे से, कितने 7 only 7, और वो 7 वो थे जिन 8 को मैं रिकमेंड करता हूं। क्यों ऐसा हुआ? मैंने कोई जादू किया? मैंने उनके ऊपर कोई फूंक मारी की? नहीं, मैंने उस असेसमेंट के जरिए इस चीज को समझ लिया था कि आर्मी में जो चीज रिक्वायर्ड होती है बाय डिफॉल्ट अल्लाह की तरफ से नेचुरली ये वो 8 बच्चे हैं जिनके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। एक बात, दूसरी बात, उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। तीसरी बात, उनको कॉन्फिडेंस दे दिया था, उनको एतमाद दे दिया था कि यस आप कर सकते हैं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपके लिए कोई मसला नहीं। अब इन तीन बातों के नतीजे में रिजल्ट क्या निकला कि 7 बच्चे सिलेक्ट और 8वां जो रिजेक्ट हुआ वो अपने किसी मेडिकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ। इसलिए रिजेक्ट नहीं हुआ कि वो फिट नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हुआ कि मेडिकली कोई कान में या किसी जगह को उसका प्रॉब्लम आ गया तो रिजेक्ट हुआ, वरना सारे सिलेक्टेड।